हेलो, नमस्ते बच्चों। आपके एग्जाम्स हो चुके हैं। अब एग्जाम्स के बाद हम अपना फिर से काम शुरू करेंगे। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट 6, राजा के कपड़े। आपने ये पूरा पार्ट पढ़ लिया है, पढ़ा चुके हैं आपको, शब्द अर्थ भी कर चुके हैं, और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ऑलरेडी प्रश्न उत्तर भरे हुए हैं, प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तर भी पढ़ेंगे। फिर आपने इसी तरह से बुक में भी भरना है और नोटबुक में भी करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा का अधिकतर समय कैसे बीतता था? इसका उत्तर है, राजा का अधिकतर समय कपड़े पसंद करने, कोमा लगाना है, पहनने और उतारने में बीतता था। क्योंकि राजा को कपड़ों का बहुत शौक था, वो सारे दिन कपड़े पसंद करता, पहनता, वो देखता, फिर उतारता रहता था। अगला प्रश्न, धूर्तों ने राजा को अपने कपड़ों की क्या विशेषता बताई? उत्तर, धूर्तों ने राजा को अपने कपड़े की यह विशेषता बताई कि केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख सकेंगे। पूरा पाठ आपने पढ़ा है, जब मैं पढ़ भी रही थी तो कितनी हंसी आ रही थी। बहुत धूर्त होते हैं, चालाक। राजा स्वयं कपड़ा देखने क्यों नहीं गया? इसका उत्तर है, क्योंकि राजा को डर था कि कपड़ा दिखाई ना देने पर सब जान जाएंगे कि वह मूर्ख है। क्योंकि धूर्तों ने क्या कहा था कि ये बुद्धिमानों को ही दिखता है, मूर्खों को दिखाई नहीं देता। उन्होंने सोचा, मुझे अगर दिखाई नहीं दिया तो सबको पता चल जाएगा कि राजा मूर्ख है। सबसे पहले सच बात किसने कही? उत्तर, सबसे पहले सच बात एक बच्चे ने कही। क्या कहा था? कि राजा तो नंगे हैं, क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं थे, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी चुपचाप सोच रहे थे, हाँ, हमें दिख रहे हैं, झूठ बोल रहे थे। तो इस तरह से वो बच्चे ने सबसे पहले अपनी माँ से कहा कि माँ माँ, राजा तो देखो नंगे दिखाई दे रहे हैं। फिर सब बोलने लग गए कि राजा तो नंगे हैं। तब राजा को एहसास हुआ कि ये बात ठीक है। अगला प्रश्न है, सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने ढूंढकर भरने हैं। एक दिन 2- लोग राजा के महल में आए। कौन आए थे? धूर्त। तो यहाँ पर हमने ये वाला पहरा, धूर्त। उन्होंने राजा के डैश से सारे कपड़े उतरवा दिए, यानी कि शरीर से। उन्होंने राजा के शरीर से सारे कपड़े उतरवा दिए। माँ, देखो महाराज तो बिल्कुल डैश हैं। क्या बोला बच्चा? नंगे। तो ये भरा हमने। राजा डैश होकर तुरंत अपने महल लौट आया, लज्जित यानी कि शर्मिंदा होकर। ये आपने भर लिए यहाँ पर। अब प्रश्न 3 है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। राजा को किस वस्तु का शौक था? हीरे जवाहरात का, खाने का या कपड़े का? तो कपड़े का शौक था, यहाँ टिक करना है। राजा के महल में कौन आया था? 2 विद्वान आए थे, 2 राजा आए थे या 2 धूर्त लोग? 2 धूर्त लोग आए थे, तो यहाँ पर टिक करेंगे। राजा शीशे के सामने खड़ा होकर क्या देखने लगा? गहनों को, अपने कपड़ों को, अपने शरीर को। किसको देखता था? अपने कपड़ों को। ये हमने ऑप्शन वाले भी सही कर दिए। किसने किससे कहा? इसमें किसने और किससे 2 आंसर हैं, ठीक है ना? महाराज की जय हो, हम संसार के प्रसिद्ध बुनकर हैं। किसने कहा? धूर्तों ने। किससे कहा? राजा से। तो यहाँ पर किसने और किससे लिखा हुआ है, बाकी आपने यहाँ पर जैसे मैंने फिल कर रखा है ऐसे ही बुक में फिल करना है। तुम लोग आज से ही काम प्रारंभ कर दो, धन की चिंता मत करो। किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? धूर्तों से। पास आकर कपड़े को देखिए सरकार। किसने कहा? धूर्तों ने। किससे कहा? मंत्री से। देखो महाराज तो बिल्कुल नंगे हैं। किसने कहा? बच्चे ने। किससे कहा? अपनी माँ से। तो ये आपने पढ़ लिया। अब भाषा व्याकरण का जो भी काम रहता है, ये काफी सारा है, अगली बार करवाएंगे। आज आपने ये अभ्यास कार्य जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और ये 4।
अपनी बुक में भी इस तरह से भरिए और अपनी कॉपी में भी डेट डालकर और पाठ का नाम लिखकर करेंगे। ओके, थैंक यू।